हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जर्मन टॉक्स। सो आज हम अगेन कंटिन्यू करेंगे हमारे नेटजवेक ए टू चैप्टर नंबर 1 कोर्स बुक के साथ। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर दराय आ करा था, ठीक है। इसमें हमने हमारे ग्रामर टॉपिक देखे थे, दूसरा वोकेबुलरी देखी थी। आज हम करेंगे फ्रैगनुमो फियर आ। ओके, अगेन इसमें भी क्या है, जो भी हमने ग्रामर टॉपिक करा था हमारे A1 में, जो कि था परफेक्ट को लेके, उसी का रिवीजन तो है ही इसमें। दूसरा, इसमें दो नई चीज़ें हमें इसमें सीखनी है, वो की है पहला ट्रेन बाभाव और दूसरा है नॉट ट्रेन बाभाव। आपको ऑलरेडी पता है ट्रेन बाभाव क्या होता है, जो कि जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो जो सेकेंड पार्ट होता है वो कॉन्जुगेट हो जाता है और जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस चले जाता है, ठीक है। जो चीज़ हमने पढ़ रखी है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज हमें करना क्या है, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये वाला स्ट्रक्चर परफेक्ट में, ठीक है। जब भी हम परफेक्ट बोलते हैं तो हमारे माइंड में दो चीज़ें हमेशा आनी चाहिए, सेकेंड प्लेस एंड एट द एंड, ठीक है। सेकेंड प्लेस में हमारा आता है हाबेन जाइन का कॉन्जुगेशन, ओके, एंड एट द एंड हमारा जो भी मेन वर्ब होगा उसका परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल ऊपर उन्होंने लिख रखा है, फॉर एग्जांपल योनास हार्ट आइन हॉबी गेफ्यूंडन, ठीक है। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सेकंड प्लेस पे हाबेन जाइन लगाया है एंड एट द एंड परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन बनता है जो कि है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हाबेन और जाइन इन दोनों में से कौन सा लगाना है, कौन सा यूज़ करना है सेकंड प्लेस पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई मूवमेंट होगा हम लगाएंगे जाइन, और उसके अलावा जो भी रेस्ट केस होगा उसमें लगाएंगे हम हाबेन। फॉर एग्जांपल फिंडन टू फाइन, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी चीज़ फाइंड कर दी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाया हार्ट, ठीक है। अगर कोई मूवमेंट होता है, फॉर एग्जांपल गेहन, गेहन इज अ मूवमेंट टू गो फारन एंड सो ऑन, तो वहाँ पे हम लगाएंगे जाइन, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी और वही इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, ठीक है, ये वाला। उसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो थी, ये हमारा हो गया, दूसरा था वर्ब विच एंड विथ आई ई आर ई एन, ऐसे वर्ब जो आई ई आर ई एन के साथ एंड होते हैं, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने एक वर्ब देखा था A1 में भी, टेलीफोनियरन जो कि किससे एंड हो रहा है, आई ई आर ई एन से, अगेन आई ई आर ई एन से एंड हो रहा है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली ई एन हटा के टी लगा देंगे, सो टेलीफो नियर्ट, ऐसे। एक और एग्जांपल देखते हैं इन्फोमियरन का, अगेन ये भी ऐसा वर्ब है जो आई आर एन से एंड हो रहा है, यस। तो इस केस में भी हम वही करेंगे, ई एन हटा के टी लगा देंगे, सो इन्फोर मियर्ट, ओके। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में पहले आपको देखना पड़ेगा, इनमें कहने का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार वर्ब्स ई एन से ही एंड हो, मगर 90% जो हमारे वर्ब्स होंगे वो ई एन से ही एंड होंगे, और 10% 5% ये एक्सेप्शन केस है कुछ जो आई ई आर ई एन से एंड होते हैं, ठीक है, बट रेस्ट ऑफ द केस एंड विथ ई एन ओनली।
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गेहन, गे गांगन. ओके अब ये वाला हमने ऑलरेडी, जैसे कि ई एन से एंड हुआ, ठीक है, तो हमने परफेक्ट का एक रूल पर देखा भी था उस टाइम कि जी ई लगा दो और उसके बीच में हमारा कोई रूट लगा दो, या फिर ई या फिर ई टी लगा दो, ठीक है, इस टाइप से. ना ये चीज़ भी हमने A1 में डिस्कस करी थी. एक चीज़ में जो बहुत बार आप लोग कमेंट में पूछते हो कि रेगुलर वर्ब्स एंड नॉट रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, रेगुलर वर्ब्स एंड नॉट रेगुलर वर्ब्स, उसका यहाँ पे एक एग्जांपल भी इन लोगों ने दे रखा है, वो ये है और ये है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर वर्ब्स एंड नॉट रेगुलर वर्ब्स, ठीक है. देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ब है राइजन, ठीक है, राइजन मीन्स टू गो टू ट्रैवल. और दूसरी तरफ मेरे पास एक और वर्ब है फिंडन, फिंडन मीन्स टू फाइंड. ये आप सबको पता है इनके मीनिंग. जब मैं इसके परफेक्ट की बात करता हूँ तो इसका परफेक्ट देखोगे कैसा बन रहा है, गे राइज, जो हमारा फॉर जो हमारा जो फॉर्मूला है जो वो बोलता है जी ई और लास्ट में टी, तो यहाँ पे लग रहा है. और हमने बीच में क्या ले रखा है, हमारा रूट, ये वाला रूट, ठीक है. इसलिए इन जैसे वर्ब्स को बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, जिनका परफेक्ट आसानी से बन जाता है विदाउट चेंजिंग एनी रूट. जो हमने ये रूट है इसको चेंज नहीं करा है. ऑन द अदर साइड अगर मैं फिंडन की बात करूँ तो फिंडन का कैसे बनेगा, गे फुंडन. अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे इसका रूट ही चेंज कर दिया है, फिंड को मैंने कर दिया है FUND, फुंड, गे फुंडन. इसलिए ये नॉट रेगुलर वर्ब्स में की कैटेगरी में आते हैं इस टाइप के वर्ब्स, ठीक है. तो ये जो पॉइंट थे हमारे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये हमने डिस्कस कर लिए. और हमने ये सब टॉपिक A1 में भी बहुत बार देखा है. आई होप अभी तक इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आ रही होगी. दूसरी चीज़, अगर आपको लिस्ट चाहिए रेगुलर वर्ब्स की एंड नॉट रेगुलर वर्ब्स की, सिंपली फॉर एग्जांपल राइजन रेगुलर में आता है, इस टाइप की एक लिस्ट चाहिए आपको और इसकी भी लिस्ट चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं हमारे इंस्टाग्राम पर मैं शेयर कर सकूँ उसे, ठीक है. यहाँ तक तो हमने बात करी इसकी. एक और इसमें टर्म है ट्रेन बाय वर्ब एंड नॉट ट्रेन बाय वर्ब, ठीक है. अगर मैं ट्रेन बाय वर्ब को भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो आप सब ईजिली समझ पा रहे होंगे कि ट्रेन बाय वर्ब क्या होते हैं. दो वर्ड्स को मिलके बना हुआ और उसके बीच में हम जी ई लगा दो और लास्ट में टी लगा दो तो वो हमारा बन जाएगा. फॉर एग्जांपल इधर भी हमने देखा था, जैसे कि आ गया कैनन लेनन, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ खाली इस वाले वर्ब की, ये किससे बना है, ये बना है कैनन लेनन. ओके दो एंटिटी है मगर है कैनन लेनन, ठीक है. इसका परफेक्ट कैसे बनाना है, सिंपली बीच के बीच में जी ई लगा दो, कैनन जी ई गे अगेन ई एन हटाना है, ई एन हटाना पड़ेगा परफेक्ट के लिए, तो ई टी कैनन गेलेंट, इस टाइप से इसका परफेक्ट बनता है. तो ये ट्रेन बाय वर्ब हो गए. ऐसे ही कुछ ट्रेन नॉट ट्रेन बाय वर्ब्स होते हैं जो कि हम बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाले, बस ई एन हटा के टी लगा दो, ठीक है. यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से ट्रेन बाय वर्ब है और कौन कौन से नॉट ट्रेन बाय वर्ब है, उसमें परेशानी आती है. फॉर एग्जाम्पल बी ई तो हो गया कि खाली बी ई होता है. मेन पहला क्वेश्चन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या खाली नॉट ट्रेन बाय वर्ब में क्या खाली बी ई आएगा कि कुछ और भी हैं. वैसे ही जो ट्रेन बाय वर्ब है उनमें कौन कौन से हैं इस टाइप के, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कोई दो चीज़ है, दो वर्ब भी है तो उसको हम परफेक्ट बनाएं, ठीक है. तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है, ट्रेन बाय वर्ब एंड नॉट ट्रेन बाय वर्ब में रिकॉग्नाइज करना, ठीक है. पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको ये वाले तीन पॉइंट जो है जो हमने A1 में भी डिस्कस करे थे ये आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो क्योंकि ये हमने A1 में
डिस्कस करा था, ठीक है। उसके बाद अब हम समझेंगे ट्रेन बाय वर्ब एंड नॉट ट्रेन बाय वर्ब, ठीक। पहला है हमारा ट्रेन बार वेरबेन एंड दूसरा है उन ट्रेन बारे वेरबेन। फर्स्ट एंड देन सेकंड, ओके। अब इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स बनाने पड़ेंगे आपके, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको ये बता रहा हूँ वो है थोड़ा 50% ऑफ ए टू एंड 50% ऑफ बी वन, ठीक है। मगर ये नोट्स आप अगर अभी बना लोगे तो आपको बी वन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आपके बाद एक बार में आपको ट्रेन बाय वर्ब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सब ट्रेन बाय वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बता दूंगा दो या पाँच ऐसे ट्रेन बाय वर्ब, और फिर आगे जाके कुछ और नए ट्रेन बाय वर्ब्स आ गए तो फिर आपको वापस कन्फ्यूजन होगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी समझ लो कौन कौन से ट्रेन बाय वर्ब होते हैं और कौन कौन से नॉट ट्रेन बाय वर्ब होते हैं, ओके। चलिए, सो नंबर वन इज अब, नंबर टू इज ऑन, नंबर थ्री इज ऑफ, ठीक है। अगर मैं इनके इनसे को क्या कैसे कैसे बन सकते हैं अगर एक एग्जांपल दूं तो अफारन अनकॉमन, ठीक है। ट्रेन बाबा ये है, ठीक है, जैसे कि इससे हमें हिंट बन जाएगी कि ये सब ट्रेन बाबा की कैटेगरी में आते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल ऑफ स्टेहन, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ ऊपर एग्जाम्पल्स, ठीक है। फोर्थ आउस, देन फिफ्थ बाय, देन सिक्स्थ डार, ठीक है। अब इनसे और क्या क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं हम, जैसे कि आउस शार्ल्टन, आउस शार्ल्टन, आउस शार्ल्टन का क्या मतलब होता है, टू स्विच ऑफ, बाय, बाय से हम क्या बना सकते हैं, बाय ब्रिंगन, डार डार स्टेलन, बहुत बार आया ये वाला वर्ड, टू पोर्ट्रे और टू डिपिक्ट, ठीक है। नाउ सेवेंथ वन आइन, आइन से हम क्या बना सकते हैं, बहुत बार हमने देखा है आइन का ऑफन। नंबर एट एंट, एंट गेगन, अगर इससे हमें बनाना हो तो हम स्टेहन लगा सकते हैं, एंट स्टेहन, जेटसन, इसका मीनिंग क्या होता है, टू अपोज, नंबर नाइन्थ फेस्ट, फेस्ट से हम क्या बना सकते हैं, फेस्टेलन, फेस्टेलन का मतलब क्या होता है, टू डिटरमाइन, नंबर टेन फोर्थ फोर्थ जैटसन, फोर्थ जैटसन का मतलब क्या होता है, टू रेज्यूम, इलेवेंथ गेगन उबर, गेगन उबर से हम क्या बना सकते हैं, गेगन उबर स्टेलन, मतलब क्या हुआ, टू अपोज, ट्वेल्थ ग्लाइश, ग्लाइश से हम क्या बना सकते हैं, ग्लाइश जेटसन, ठीक है, टू कंपेयर विथ,
ओके देन नेक्स्ट 13th हेयर, 14th हिन, हेयर हमने बहुत बार देखा है हेयर कॉमन, हिन से हमने देखा हिन गेहन, ठीक है हेयर कॉमन का मतलब क्या है टू कम हेयर, हिन गेहन का क्या मतलब होता है टू गो देयर, देन 15th कैनन, जो अभी हमने देखा कैनन, कैनन से भी हमने थोड़ी देर पहले बुक में क्या बनाया था कैनन लेनन, ठीक है लोस लोस फहरन, 17th मिट, बहुत बार देखा है हमने A1 में मिट कॉमन मिट ब्रिंगन, ठीक है नाक, नाक से भी हम बना सकते हैं बहुत सारे ट्रेन बाब नाक एक्सप्रेशन, देन 19th राइन, देन 20 स्टार्ट, 21 स्पाजेरियन, हम बहुत बार बोलते हैं स्पाजेरियन गेहन, देन वैग वाइटर, 24th वोल, 25th जू, 26th जुरुक, 4 एंड 4 बाय, ये सब है आपके ट्रेन बाबव, ठीक है ट्रेन बाबव कहने का क्या मतलब है कि अगर इन जैसे कि अगर ये सब आते हैं आपके इस टाइप का अगर आते हैं तो ये मतलब ब्रेक होंगे, ठीक है इस इनको अगर आप आपके वर्ब में लगाते हो एज अ ट्रेन बाय वर्ब तो दे ऑल आर विल गोइंग टू ब्रेक, इसका मतलब ये है, ठीक है हमने बहुत बार देखा जैसे कि ये सब एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट, स्टार्ट से हमने बहुत बार बुक में वर्ड देखा है स्टार्ट फिंडन, ठीक है सो आई होप आपको समझ में आया हो ये वाला, तो आप एक इसकी एक अलग से टेबल बना सकते हो, ठीक है और अब अगर आपको पता होंगे ये वाले तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है क्या होता है ना ये बताना इसलिए ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल हम आपके पास कोई सेंटेंस है, ठीक है आप लेजन कर रहे हो, आप लेजन कर रहे हो और आपके पास कोई एक सेंटेंस आ गया, ठीक है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रखा हुआ है, सेकंड प्लेस पे कुछ है सिंपली एक वर्ब, फिर सेंटेंस और फिर यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है स्टार्ट। अब होता क्या है ना कि आपको पता ही नहीं पड़ता ये स्टार्ट है क्या, ठीक है अगर आपको ये पता होगा कि ट्रेन बाय वर्ब क्या होते हैं तो आपका डायरेक्टली जो माइंड है वो इधर रन करेगा कि यार स्टार्ट कुछ तो होता है और मैंने पढ़ा है कि कोई ट्रेन बाय वर्ब की कैटेगरी में आता है स्टार्ट, और मैंने एक एग्जांपल भी देखा था स्टार्ट फिंडन करके कुछ, ठीक है तो हो सकता है फिंडन नहीं हो कुछ और वर्ब हो यहाँ पे, मगर यहाँ पे स्टार्ट तो रहेगा तो आप उसको इससे कंबाइन करके जब देखोगे तो एक मीनिंग बनेगा उसका, ठीक है तो कहने का मतलब ये इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखते भी थे A1 में कुछ था यहाँ पे फिर यहाँ पे कुछ वर्ब था फिर एंड था यहाँ पे लास्ट में मिट रहता था, ठीक है तो जब हमें पता होगा कि ये मिट तो ट्रेन बा वर्ब में आता है तो सिंपली हमारा माइंड इधर जाएगा कि यार मिट तो मैंने पढ़ा है जो कि ट्रेन बा वर्ब की कैटेगरी में आता है, ठीक है ऐसे ही जुरुक अब कुछ भी होगा लास्ट में अगर रखा हुआ भी होगा तो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है तो ये एक लिस्ट है जो आप हमेशा अब जब आप A2 कर रहे हो तो आपके स्टडी टेबल में हमेशा ये रहनी चाहिए, ठीक है फॉर एग्जांपल कोई बुक में अगर आ भी रहा है तो आप अगर कुछ जैसे ऑफ आ गया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस तो सर्कल कर लो, बाय आ गया तो उसको सर्कल कर लो कि ये ट्रेन बाय वर्ब्स है, ठीक है आइए तो नॉट
नॉट ट्रेन बाय वर्ब की तरफ जाते हैं हम, जो कि इजी है बहुत कंपेयर टू ट्रेन बाय वर्ब, ये कम होते हैं. बाय, अ बी, ठीक है. देन सेकेंड वन एम्प, थर्ड वन एंट, फोर्थ वन एयर, जी ई, देन मिस, देन फर एंड देन मिसर. ये सब ऐसे हैं जो नॉट ट्रेन बाय वर्ब है, और आपको इनसे देख के लग भी रहा होगा कि कभी आपने इनको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस नहीं देखा. आपने इनको देखा होगा बहुत बार A1 में. चलो हमें A1 के डिस्कस करते, हमने A1 में बहुत बार देखा है कि ये सब एंड में रखे हुए हैं, टूट जाते हैं और लास्ट में चले जाते हैं. मगर आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि BE जैसा कुछ है, या EMP जैसा है, या GE, खाली GE एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रखा हुआ, ऐसा कभी नहीं देखो, या मिस कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने, ठीक है. तो इसका मतलब ही ये है कि ये लोग, ये जितने भी हैं, ये नॉट ट्रेन बाय वर्ब्स में आते हैं, ठीक है. एक बार हम इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है. जैसे BE से हम बना सकते हैं बे सुखन, EMP से क्या बना सकते हैं एम फेलन. एम फेलन का मतलब क्या होता है, रिकमेंड. एंड से हम क्या बना सकते हैं, एंड शाइडन. एयर क्लेरन. गे फालन. मिस फर्स्टे हैं एंड फर्जुखन एंड जे ओके. आई होप आपको अब समझ में आया हो, ठीक है. ओके, तो अब देखिए, अब आप, हमने ये चीज़ें कर ली अभी तक, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी समझ ली A1 में, और अभी आज हमने भी डिस्कस करी. बट मैंने आपको बताया था हमारा आज का मेन मोटिव था ये वाला, ट्रेन बाय वर्ब एंड नॉट ट्रेन बाय वर्ब, ठीक है. मैं चाहता तो आप सभी को खाली ये भी डिस्कस करके छोड़ देता कि भाई यहाँ पे GE लगा देना, ओके. यहाँ पे GE लगा देना कोई भी ट्रेन बाय वर्ब होगा, और यहाँ पे T लगा देना, और नॉट ट्रेन बाय वर्ब में GE मत लगा के यहाँ पे ऐसा कुछ T लगा देना, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. मगर आज का हमारा मोटिव था एक पूरे अच्छे तरीके से ट्रेन बाय वर्ब और नॉट ट्रेन बाय वर्ब को समझने का. तो अब देखिए, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने ट्रेन बाय वर्ब आ भी गया और आपके पास ये लिस्ट है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये लिस्ट है. फॉर एग्जांपल आप सेल्फ स्टडी करो और आपके पास ये लिस्ट है, ठीक है. तो आप डायरेक्टली आपकी लिस्ट में जाओगे, आप अपनी लिस्ट में जाओगे और आप देखोगे, अरे वाइटर तो मैंने पढ़ रखा है जो कि ट्रेन बाय वर्ब है. तो ये देखिए वाइटर, और उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइटर सुखन हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया वाइटर और सुखन, एक सिंपल मेन वर्ब है, ठीक है. मुझे इसको परफेक्ट बनाना है, तो आपको पता है वाइटर GE लगा दो, ये सुक्ट ऐसे, ठीक है. तो आपने इसको ऐसे एज अ परफेक्ट फॉर्म बना दोगे. आई होप इतना आया होगा समझ में आपको कि कैसे इस ट्रेन बाय वर्ब को आपने परफेक्ट बनाया, सिंपली GE लगा के लास्ट में T लगा दो. नॉट ट्रेन बाय वर्ब अगेन, अगर आपके पास नॉट ट्रेन बाय वर्ब है और आपको इसको बनाना है, तो आपके पास लिस्ट है, ठीक है. जैसे कि आप पे इन्होंने BE और एंडेड बे एंडेड कर रखा है, ठीक है. हमने यहाँ पे बे सुखन एज अ वर्ब यूज़ करा है, ठीक है. तो इधर देखते हैं, बे एंडन हमारे पास एक था मेन वर्ब, अब हमें इसको बनाना है इन अ परफेक्ट फॉर्म. सो बे एंडेड, ठीक है. ऐसे ही हमारे हमने पढ़ रखा है बेसुखन, तो बेसुक्त कर दो उसको ऐसे, ठीक है. मगर पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, ठीक है. ट्रेन बाय वर्ब है, नॉट ट्रेन बाय वर्ब है, एंड सो ऑन, ठीक है. तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि अगर परफेक्ट भी बनाना है तो कैसे बनाना है. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई अच्छा ट्रेन बाय वर्ब है और ये सब ट्रेन बाय वर्ब में आते हैं, तो सिंपली मुझे उन दो वर्ब के बीच में GE लगा दूंगा और लास्ट में T या फिर EN लगाऊंगा, तो मैं ऐसे भी परफेक्ट बना सकता हूँ ट्रेन बाय वर्ब का, क्योंकि मुझे लिस्ट पता है. वैसे ही मुझे ये भी लिस्ट पता है कि नॉट ट्रेन बाय वर्ब्स क्या होते हैं,
जो कि बीच में से टूटते नहीं है, ओके, वही नॉट रिटन बाय वर्ब्स होते हैं ना, जो कि बीच में से टूटेंगे नहीं। अगर ये टूटेंगे नहीं तो बीच में जीई आने का सवाल भी नहीं उठता है। जीई तभी आएगा जब वो कोई टूटेगा, जैसे कि ये ब्रेक होएगा तो बीच में जीई आएगा। जब ये नॉट ट्रेन बा अब ये टूटेगा ही नहीं तो जीई आएगा ही नहीं, ठीक है। मगर उसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि ये सब नॉट ट्रेन बा वर्ब में आते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। आने वाले कुछ एक्सरसाइजेज में हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर जो ये हमने डिटेल में पढ़ा है A1 A2 का, और 50% ऑफ A2 एंड 50% ऑफ B1, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और कमेंट करके हमेशा बताया करिए कि कैसा आपको आज लगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डांकेशन ऑफ इडज।